दोस्तों इस वीडियो में डीपली कवर करेंगे आज का दिन का थर्ड टी10 मुकाबला के बारे में जो होने वाला है लग्जमबर्ग वर्सेस बेल्जियम के बीच में। दोस्तों आपको पता होगा कि बेल्जियम की टीम ने आज पहला वाला मुकाबला खेला, वहां पे बहुत ही शानदार तरीके से विन करा, ठीक है। वहां पे इन्होंने 4 विकेट से विन करा था, बहुत ही ईजिली तरीके से आप मान लो। लेकिन जो सामने की टीम है लग्जमबर्ग की टीम से, इनका पहला वाला मुकाबला होगा बहुत ही शानदार ए भी टीम से। बाकी सारे इंटरनेशनल लेवल के प्लेयर खेल रहे हैं आपको पता होगा, और एक आज कंट्री बाई कंट्री मैचेज हो रहे, बहुत शानदार मैचेज आएगा। क्योंकि लग्जमबर्ग की जो टीम तो से कौन कौन ओपनिंग करवाएगा, क्या उनका कुछ करवा सकता है 2019 का, 2020 का, 2021 का, बाकी कुल T20I का स्टेटमेंट मैंने लिखा है। तो मेहनत तो बहुत लगी है भाई, वीडियो को लास्ट तक वॉच करिएगा जरूर। स्टार्टिंग के ओवर डेथ के ओवर कौन करवाएगा वो ही बताऊंगा, तो वीडियो को लास्ट तक वॉच करिएगा जरूर, वीडियो डेफिनेटली हेल्प हो जाएगा। वीडियो को आपने लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक करके स्टार्ट करेंगे दोस्तों। और लास्ट टाइम फाइनल टीम फाइनल अपडेट आपको मिल जाती है टेलीग्राम पर, आप टेलीग्राम पर जुड़ जाना, वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का, आप वहाँ पर क्लिक करके हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो सकते हो। लिंक नहीं कम करना, फिर टेलीग्राम ऐप को ओपन करना भाई, सर्च आइकन पर आकर सर्च करना @expert202, सेम लिखेंगे 3900+ सब्सक्राइबर दिखेगा। ए नीचे फेक चैनल बने हैं, सिंपली आपको यहीं पे क्लिक करना है, ठीक है। जैसे क्लिक करके ओपन हो जाएगा, नीचे ज्वाइन वाला बटन दिख जाएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर लास्ट टाइम कुछ भी अपडेट आता है फाइनल टीम फाइनल अपडेट कन्फर्म बैटिंग ऑर्डर आपको इस तरह मैं दे ही देता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपने ज्वाइन कर लिया होगा। बात करेंगे मैचेज की, आपने पहला वाला मुकाबला देखा गाइस, जिसमें से फर्स्ट में बैटिंग करा थी टीम उन्होंने हारा था, सेकंड में बैटिंग करने वाली टीम ने बेल्जियम की टीम ने विन करा था। अच्छा खासा स्कोरिंग भी बन रहा है, विकेट भी गिर रहा है, 100+ स्कोरिंग बनने के चांसेस रहेगा, सारे के सारे इंपॉर्टेंट प्लेयर खेल रहे हैं। मुकाबले टाइमिंग 4:30 बजे रहेगा, भाई बेन्नू सेमी रहेगा, 100+ स्कोरिंग बनेगा। पहले हम बात करेंगे लग्जमबर्ग टीम की, तो गाइस जिनकी टीम जैसे देखो आप बैटिंग तो कन्फर्म नहीं है, बैटिंग ऑर्डर आपको लास्ट टाइम में मैं शेयर करवा दूंगा कहाँ पर भाई, वो टेलीग्राम पर, ठीक है। तो टेलीग्राम पर जुड़ जाना, इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन लिंक मिलेगा। तो बात करेंगे पहले लग्जमबर्ग टीम की, तो इनकी टीम से मोस्ट प्रोबेबली ओपनिंग करवा के देंगे संभव पुरी, इनके साथ आएंगे अंश त्रिवेदी। संभव पुरी की बात करेंगे, डोमेस्टिक T20 का स्टार है, 2021 में इन्होंने रिसेंट में ही 4 मुकाबले खेला था, वहाँ पे 4 इनिंग में 100 रन करा था, एवरेज इनका 33 का है, 4 इनिंग में 16 ओवर है, 3 विकेट है। एक तो अपने कोटा का 2 ओवर करेगा, ठीक है। T20 में हर मैच में 4 ओवर बॉलिंग करवा रहे थे, बट बैटिंग से भी एक अच्छा खासा टेक्निकली साउंड बैट्समैन है। वहीं मैं बता रहा था ओपनिंग करेगा, स्मॉली की टीम में रिस्क लेकर आप वाइस कैप्टनसी दे सकते हो। उनके बाद आएंगे यहाँ से अंश त्रिवेदी, जो राइट एंड बैटिंग करवाता है, राइट एंड मीडियम है, T20I का स्टार, देखोगे अभी तक T10 नहीं खेला इन्होंने, 4 मैच खेला था, 2 इनिंग में 56 रन है, 28 रन का एवरेज था, 4 इनिंग में 10.2 ओवर के बॉलिंग करा के 3 विकेट निकाला था, बॉलिंग अच्छा खासा करवाता है, मुझे लगता है कि ऑलराउंडर सेक्शन में रहनी चाहिए। बाकी हम देखेंगे पहले बैटिंग ऑर्डर, वैसे तो आज प्लर पिक करके चलिएगा स्मॉली की टीम में, बाकी अगर बैटिंग में फिर से 1 ओवर रहा फिर ओपनिंग रहा ना, तो फिर आप रिस्क लेकर वाइस कैप्टनसी कैप्टनसी ट्राई कर सकते हो। उनके बाद देंगे यहाँ से 1 डाउन मोहित दीक्षित, राइट एंड बैटिंग करवा के देंगे, लेफ्ट एंड मीडियम फास्ट बॉलिंग करवाता है, T20I इन्होंने 2019 में खेला था, वहाँ पर भी बढ़िया करा था, 3 मैच में इन्होंने 9 ओवर की बॉलिंग कराई थी, 1 विकेट निकाला था, 3 मैच में 4 रन करा था। जब आप T20I में 2020 का स्टार देखोगे 2 मैच में कितना 2 रन है, 2 इनिंग में 5 ओवर है, 2021 में देखोगे 5 मैच में 5 इनिंग 3 विकेट है, 10 ओवर की बॉलिंग करा के जब आप कुल मिला दोगे ना, तो मोहित दीक्षित का 10 मैच में 63 रन है, 15 गेंद का एवरेज थे, 10 इनिंग में 5 विकेट है, 23 ओवर की बॉलिंग करा के मोहित दीक्षित का T20I स्टार्ट बढ़िया नहीं है भाइयों। मुझे लगता है कि 1 डाउन नहीं करेगा बैटिंग, थोड़ा नीचे भी जा सकता है। टोनी विटमैन मुझे लगता है कि 1 डाउन आएंगे, क्योंकि T20 में 1 डाउन ही हरदम मतलब हर बार टीम से खिलवाते थे, ठीक है। टोनी विटमैन की बात करेंगे, राइट एंड बैटिंग करवा के देंगे, राइट एंड ओवर बॉलिंग करवाता है, T20I ने 2019 में 4 मुकाबले खेला था, वहाँ पर इन्होंने 14 रन करा था, बैटिंग से उतना अच्छा खासा नहीं करा था देखिएगा 19 में, ठीक है, बट 20 में आइएगा, 4 मैच में 84 रन 42 गेंद का एवरेज है, और रिसेंट में इन्होंने 5 मुकाबले खेला था, ठीक है, T20I का, उन्होंने 5 मुकाबले में 138 रन करा था, एवरेज इनका 46 का था, बहुत ही गजब का परफॉर्मेंस था इसी सीजन में, मतलब रिसेंट में ही एक मुकाबला पाँच मुकाबले का सीजन खेला था, वहाँ पे इन्होंने अच्छा खासा करा था। तो टोनी विटमैन एज अ बैट्समैन खेलता है टीम तो से, और स्मॉली की टीम में एक मास्टर रहेगा, रिसेंट का स्टार्स बहुत ही बढ़िया है। बात करेंगे आनंद पांडे की, राइट एंड बैटिंग करवाता है, राइट मीडियम में 3 मैच में 15 रन है, 15 गेंद का एवरेज है T20I में, तो स्मॉली की टीम में आनंद पांडे को छोड़ के चलिएगा बिल्कुल भी। यहाँ से आएंगे उनके बाद रोहन विश्वनाथ, जो राइट एंड बैटिंग करवा के देंगे, राइट एंड मीडियम फास्ट बॉलिंग करवाते हैं, लेकिन T20I का स्टार देखोगे 2019 में भी इन्होंने नहीं बॉलिंग करी थी, ना 2020 में करी थी, तो छोड़ के चलिएगा, इनकी टीम थोड़ा वीक नज़र आ रही है भाई। राजू अकुलकर की बात करेंगे, राइट एंड बैटिंग करवाता है, राइट एंड मीडियम में 6 मुकाबले में 3 इनिंग 27 रन है, 5 इनिंग में 4 विकेट 18 ओवर के बॉलिंग करा के 2 ओवर कन्फर्म करेगा। क्लब T20 का स्टार देखोगे 2021 में 3 मुकाबले खेला था, 9 रन का था, 3 इनिंग में 10 ओवर के बॉलिंग करा के 1 विकेट निकाला था, मतलब जब बॉलर खेलता है बॉलिंग भी करता है और कूटता भी है, मतलब पिटाता भी है, ठीक है। तो आपके लिए एवरेज पिक रहेगा भाई, उतना इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा। अखिलेश कुमार
राइट एम मेडिकल करवा के देंगे, राइट एम मीडियम है। टी20 का स्टार देखोगे अपने करियर में इन्होंने 3 मुकाबले खेले हैं, ठीक है, इंटरनेशनल लेवल का। वहाँ पे 2 इनिंग में 5 रन करा रहा है, 3 इनिंग में 5 ओवर की बॉलिंग करा के विकेट निकाला एक। क्लब टी20 का स्टार आप देखोगे रिसेंट में 2021 में 5 मुकाबले खेला था, 17 रन करा था, 4 इनिंग में 3 विकेट निकाला, 10 ओवर की बॉलिंग करा के। देखो इस टीम से मैं बोलूँगा आप ज़्यादा 4 ही पलों को रखना भाई, इनकी टीम थोड़ा वीक नज़र आ रही है, बहुत ज़्यादा वीक नज़र आ रही है, ठीक है। अमित धीरंगा टी20 का स्टार देखोगे 2 मैच में 13 रन है, 2 इनिंग में 3 विकेट है, 8 ओवर के बॉलिंग करा के कन्फर्म है कि 2 ओवर करेगा, टीम के एक मेन बॉलर है। थॉमस की बात करेंगे, थॉमस मार्टिन का नाम है, डोमेस्टिक टी20 2020 में इन्होंने 1 मुकाबला खेला था, वहाँ पर 24 रन करा था। क्लब टी20 में भी इन्होंने 1 ही मुकाबला खेला था, वहाँ पर भी इन्होंने 34 रन करा था। मैं बताऊँगा आपको ऊपर ही खेलने का, देखो अगर थॉमस मार्टिन खेलता है तो मुझे लगता है 1 से 2nd ओवर बैटिंग ऑर्डर रहेगा, हालांकि मैंने थोड़ा नीचे मेंशन करा है, बट ऊपर खेल सकता है। मोहत की बात करेंगे, एज अ बॉलर खेलता है लेकिन इसका स्टार्ट कहीं पर भी अवेलेबल नहीं है, मैं बताऊंगा अगर खेल जाता है टेलीग्राम पर, ठीक है। तो इस टीम से आपको संभवपुरी को रखना है, अंश त्रिवेदी मास्टर रहेगा, मोहित दीक्षित आपके लिए डिफरेंट रहेगा, टोनी को रख लेना वन डाउन बैटिंग करेगा, ठीक है। आनंद को छोड़ के चलिएगा, इनको भी छोड़िएगा, राजू भी आपके लिए मास्टर रहेगा, बट रिसेंट का स्टार देखोगे बॉलिंग करवाते विकेट नहीं मिल रहा था, यहाँ से आप इनको भी पीएस मोहल्ले की टीम में रख सकते हो। नीचे हो गए, नीचे मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप थॉमस मार्टिन को ले लेना अगर ओपनिंग करता है तो। बेस पर जो ही प्लेयर बैठा है हरपाल सिंह है, ए है, तो इसका स्टार्ट मिला नहीं, खेलता है तो ढूंढने की कोशिश करूँगा, ओवरऑल स्टार्ट जरूर दूंगा, ठीक है। बात करेंगे जो सामने की टीम है भाइयों, बेल्जियम की टीम से पहला वाला मुकाबला, इन्होंने 4 विकेट से विन करा था, स्पेन वर्सेस बेल्जियम के बीच में हुआ था और इजीली तरीके से इन्होंने चेज करा था 8.4 ओवर में, ठीक है। वाला मुकालम हुआ क्या था, अजीज मोहम्मद इनके साथ आए थे, मामून लतीफ़ ओपनिंग करवा रहे हैं, अजीज मोहम्मद को हमने वाइस कैप्टनसी करा था भाई, इन्होंने ना 2 ओवर के बॉलिंग करा के 1 विकेट निकाला था, तो यहाँ से इन्होंने 2 ओवर की बॉलिंग करवाई थी, ठीक है। वहाँ पे देते हम बॉलिंग करवा रहे थे, 1 विकेट निकाला था और बैटिंग से इन्होंने 29 रन का एक शानदार पारिया खेला था। आप फिर से स्मॉली की टीम बना रहे हो तो इनको कैप्टनसी बिल्कुल भी देके चलिएगा। लतीफ देखो लास्ट मुकाम जल्दी आउट हुआ था 1 रन बनाकर, बट बैट्समैन बहुत ही बढ़िया है क्योंकि रिसेंट का स्टेट आप देखोगे 2021 का, वहाँ पर बैटिंग से भी बढ़िया है, 2020 में इन्होंने बॉलिंग भी करवा रहे थे, बट यहाँ पर बॉलिंग नहीं करेगा, वहीं रहेगा। सामने की टीम भी उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आप प्रेफर कर सकते हो और डिफरेंट भी रहेगा। फैजल महमूद राइट एम बैटिंग करवा के देंगे, राइट फास्ट बॉलिंग है, बट यहाँ पे देखो लास्ट मुकाम 0/4 आउट हुआ, ठीक है। बट इनका स्टेट देखोगे ना 2021 में 5 मुकाबले में 108 रन है, ठीक है। टी10 में देखोगे कुल मिलाकर तो 7 मुकाबले खेला 125 रन है, बहुत ही गजब का प्लेयर का, इतना बड़े बड़े छक्के मारते हैं ना, मारने लगेगा ना, मैं बता रहा हूँ सामने वाले को वाट लगा देंगे। तो फैजल महमूद को मैं बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप छोड़ो, मैं बोलूँगा कि आप स्मॉली की टीम में ना रख के चलिएगा और गैंडली खेल लो, कैप्टनसी कर लेना। मुनीम मोहम्मद ने 2 ओवर की बॉलिंग करवाई थी भाई, इन्होंने भी 1 विकेट निकाला था। सॉरी इन बॉलिंग नहीं करवाई थी, जब बैट्समैन खेलते हैं थोड़ा नीचे ही आएंगे बैटिंग करने के लिए, इनका स्टैट्स भी बढ़िया नहीं है। हालांकि स्मॉली की टीम में आप इनको प्रेफर कर सकते हो, सामने की टीम में वीक है, अगर इनकी टीम पहले बैटिंग करी तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा, इनके जगह पे आप किसी बॉलर को ट्राई कर लेना। सैबर जखील राइट मेडिकल करवा के देंगे, राइट मीडियम है, लास्ट मुकाम 43 नॉट का था, कुल 13 ही बॉल खेलते, ठीक है। वहाँ पर 43 नॉट करा, 2 ओवर के बॉलिंग करा के 1 विकेट निकाला, आप इनको स्मॉली की टीम में कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी भी कर सकते हो अगर इनकी टीम पहले बैटिंग करेगी अगेन तो, ठीक है। क्योंकि मुझे लगता है ना गाइज, अगर इनकी टीम पहले बैटिंग नहीं करेगी तो फिर ऊपर वाले ही चेंज कर लेंगे, फिर इनको बैटिंग करने का ना ही मौका मिलेगा, तो वो चीज़ देख के चलिएगा। शेख सिराज टीम की कैप्टनसी करवा के देंगे, लेफ्ट एम बैटिंग करवाता है, स्लो लेफ्ट एम बॉलर बॉलिंग करवाता है, इनका स्टेट्स बैटिंग एंड बॉलिंग से दोनों से बढ़िया है, बट लास्ट में उनका बॉलिंग नहीं करा था। सिराज से को आप स्मॉली की टीम में छोड़ सकते हो, इनके जगह पर किसी बॉलर को प्रेफर कर लेना। अली राजा विकेट कीपर करवा के देंगे, हम बहुत नीचे आएंगे, बट टी10 2020 में 4 मुकाबले खेला था, वहाँ पर इन्होंने अच्छा खासा करा था लेकिन आपको मौका नहीं मिल रहा। उम्मीद रहीमी को छोड़ देना, 2 नॉट आउट करा था, इससे इसका स्टेट दुखोगे तो 5 मैच में 13 रन है, 4 का इनका एवरेज है। उम्मीद रहीमी भी आप गैंडली के पिक में पिक कीजिएगा, ठीक है। मुराद इकरामी लेफ्ट एम बैटिंग करवा के देंगे, स्लो लेफ्ट एम चना मन बॉलिंग करवाता है, 2 ओवर की बॉलिंग करवाई थी भाई, इन्होंने भी 1 विकेट निकाला था। सेफत की बात मैं बता दूँ, इन्होंने भी 2 ओवर की बॉलिंग करवाई थी, इन्होंने भी 1 विकेट निकाला था और टीम के एक मेन बॉलर भी है और 1 विकेट टेकर बॉलर है इनका। गाइस मैं आपको बता दूँ, बहुत अच्छा खासे लाइन लाइन पर बॉलिंग करवाते हैं, विकेट मिलने के चांस रहेगा, सामने की टीम में वीक है। फाइम भट्टी ने एक पहला डाला था और एक 3रा ओवर डाला था, 2 ओवर कंप्लीट अपने स्टार्टिंग में करवा लिए थे, 2 ओवर की बॉलिंग करवा के 1 विकेट निकाला था। देखो मैं आपको प्रेफर करूँगा कि आप अजीज मोहम्मद को पिक करो, ठीक है। मामून लतीफ़ फैजल महमूद पिक कर लेना, यहाँ से मामून लतीफ़ को ले तो फिर इनको छोड़ देना, मामून लतीफ़ को नहीं ले रहा ना तो फिर इनको रख लेना, ठीक है। जखील को टकली पिक करेंगे, शेख सिराज आपके लिए डिफरेंट रहेगा क्योंकि यहाँ से ना मैं बता दूँ मुराद इकरामी बॉलिंग नहीं करेगा, फिर फाइम भट्टी नहीं करेगा तो कौन करेगा भाई, वो यहाँ पे एक करेगा, शेख सिराज कर सकता है, तो ये चीज़ आप गैंडली की टीम में ट्राई करना। अली राजा को छोड़िएगा, उम्मीद रहीमी को छोड़ना, मुरीद इकरामी को टकली पिक कर सकते हो, इनको भी पिक कर सकते हो, सामने टीम में वीक नहीं स्ट्रॉन्ग नहीं है तो विकेट मिलेगा। पहला डालेगा फाइम भट्टी, दूसरा डालेगा यहाँ पे मुराद इकरामी, ठीक है, मैंने डबल डबल नाम लिख, सॉरी,
यहाँ पे देखोगे डेथ में आओगे, साइबर जैकल ने एक ओवर डाला था, अजीम मोहम्मद डाला था, फाइम भट्टी ने भी एक ओवर डाला था। बेंच पे जितने प्लेयर बैठे हैं तीन ही प्लेयर है, तो सारे कैस्टर सब अवेलेबल है, देख लो कोई भी खिलवाता है तो प्रोवाइड आपको जरूर करवाऊंगा भाइयों टेलीग्राम पर। बात करेंगे यहाँ से विकेट के सेक्शन से ना, तो विकेट के सेक्शन टोनी विटमैन अली राजा है, एक कुमार नहीं खेलेगा। देखो अभी के लिए टोनी विटमैन के साथ जब मुझे लगता है कि मॉडर्न बैटिंग करेंगे ही करेगा, अली राजा बहुत ही नीचे तो लेने का मतलब नहीं बनता। बैट्समैन सेक्शन में आएंगे फैजल महमूद, पूरी बहुत ही बढ़िया स्टर्थ है भाइयों, ठीक है। विश्वनाथ का भी स्टर्थ बढ़िया है। टॉम मार्टिन का मैंने बताया कि थॉमस इनका मार्टिन नाम है, खेलेगा ऊपर खेल सकता है, स्टर्थ बढ़िया है। मामूल लतीफ ओपनिंग करा था लेकिन जल्दी आउट हो गया था। अदनान रजा खेलेगा, बॉलिंग एंड बैटिंग दोनों करवा के देगा। उम्मीद रही गणली की टीम में पिक करना, मुनीम थोड़ा नीचे आया था लेकिन अच्छा खासा करके गया था। 98 सेकंड में आओगे जैकलिन को बैटली पिक करना, मोहित दीक्षित बढ़िया रहेगा। सिराज को सिर्फ बॉलिंग बैटिंग मिला था, ठीक है बॉलिंग नहीं मिला था। सकल्याण राजा खेलेगा, वकास राजा खेलेगा, कोई खेलेगा तो बताऊंगा जरूर। आकाश पांडे को उतना स्ट्रेस बढ़िया नहीं है। बॉलिंग सेक्शन में आओगे मोहम्मद को अगले पिक करेंगे, हरपल सिंह मुझे लगता नहीं खेलेगा। अमित धीरंगा बढ़िया है भाई, पिक कर सकते हो। सेफोत को अभी ले लो, इकरामी को ले लो, क्योंकि दो दो ओवर के बॉलिंग करवा रहे। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप किनके साथ जाओ भाई, यहाँ से ना आप किसी एक बॉलर को रख सकते हो, लतीफ को रख लो ठीक है, बट यहाँ पे अमित को रखना चाहो तो बिल्कुल भी रख के चलिएगा, बट मैं इनको प्रेफर नहीं कर रहा लग्जम्बर टीम को, इसलिए मैंने उनको नहीं रखा। कैप्टेंसी की बात करेंगे, कैप्टेंसी रहेगा वो रहेगा अहमद, ठीक है। वाइस कैप्टेंसी रहेगा ना वो रहेगा मामूल लतीफ को, दे सकते हो जाकिल रहेगा। आप रिवर्स कर लेना भाइयों, सेफ टीम भाई और डेमो टीम है। फाइनल टीम को लास्ट टाइम प्रोवाइड करवा दूंगा, टेलीग्राम पे जुड़ जाना। वीडियो कैसा लगा लाइक में जरूर कर देना। बेस्ट ऑफ लक, गुड बाय।